पैसों के घमंड में इन सितारों ने कर दी बड़ी गलती, बर्बाद हो गया इनका करियर। बॉलीवुड में काम करते हुए हर एक्टर करोड़ों रुपए कमा लेता है। कई ऐसे एक्टर हैं जो अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ सितारे पैसों के घमंड में कई गलत काम कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका करियर भी बर्बाद हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बॉलीवुड सितारों के बारे बताने वाले हैं। फरदीन खान एक समय में बॉलीवुड के रोमांटिक एक्टर माने जाते थे और इनकी फिल्मों को फैंस खूब पसंद कर रहे थे। कामयाबी और पैसा मिलते ही फरदीन खान नशे की गिरफ्त में चले गए और पुलिस ने इन्हें ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद से इनका करियर भी बर्बाद हो गया। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, जिसकी वजह से संजय दत्त को कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं हुई और संजय दत्त ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। अपनी नशे की आदत की वजह से इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। विजयराज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन कॉमेडी की वजह से मशहूर हुए थे और फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होने के बाद इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इन्हें यूएई में नशीली दवाई रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से इनका करियर फिर से सफल नहीं हो पाया है। मनीषा कोइराला एक समय में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर अपने अभिनय की वजह से राज कर रही थी, लेकिन ज्यादा पैसा होने के बाद इन्होंने भी शराब और सिगरेट पीने की लत लग गई, जिसकी वजह से इन्हें ओवेरियन कैंसर भी हो गया था और इनका भी करियर बर्बाद गया है।